ये वो महिलाएं हैं जिन्हें उज्ज्वला योजना के पहले चरण में गैस सिलेंडर और चूल्हा फ्री में दिया गया, लेकिन दूसरे चरण की एंट्री होने तक इनके घरों में धुएं की वापसी हो गई। पीएम नरेंद्र मोदी ने यूपी चुनाव से पहले महोबा में मंगलवार को उज्ज्वला योजना का दूसरा चरण शुरू तो कर दिया, लेकिन उज्ज्वला योजना के पहले चरण के लाभार्थियों के घरों में एलपीजी गैस सिलेंडर और चूल्हे की स्थिति शादी में मिली बाइक की तरह हो गई। सीधे शब्दों में कहें तो वो भी भूसे के घरों में धूल फांक रहे हैं। अब आप उत्तर प्रदेश के पीलीभीत को देख लीजिए। जब हमारी टीम यहाँ उज्ज्वला लाभार्थियों के घरों पर जमीनी हालात देखने पहुंची तो कुछ ऐसी तस्वीर सामने आई। कहीं चूल्हे को बक्से में रखा गया है तो कहीं उसे आराम से खटिए पर सुलाया गया है। ठंड ना लगे इसलिए कपड़ा भी डाल दिया गया है, तो कहीं उसे खुले में धूल धूसरित होने के लिए छोड़ दिया गया है। अब बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों लोगों ने फ्री में मिले गैस सिलेंडर को पेटी में बंद करके रख दिया है। दरअसल उज्ज्वला लाभार्थियों के पास गैस भराने के लिए पैसे ही नहीं है। हमारी न मानिए तो लाभार्थियों से ही सुन लीजिए। गैस सिलेंडर मेहमान लोगों ने खाना बना के खिलाया, जा बताओ पहले पर होई कहूं। कब से इस्तेमाल नहीं किया है? कब से कहा तुमसे, हमने कह दे जब पैदा ना है भरवा में कहा। तो खाना चूल्हे बना रही हो? अब चूल्हे भरा बने हैं जरूर, आंखन में कहा तो धुआं भत थई गो। हां तो क्यों क्यों चूल्हे बना रही हो? चूल्हे का लकड़ियां तुम लायक दे, कह दे तुम लायक दे उठाए हमें। परेशानी है? अब परेशानी ना है और का आराम है, गैस ना रही तो धदिया उठाए और इधर बीचा कम है। कितना परिवार है? कितना परिवार है? पांच लोग हैं। खाना अकेला बनाती हो? और कौन बनाए? चूल्हे से। और का दिक्कत होती है? जब गैस ना आ रही तो भरने हैं जरूर चूल्हे, पैसे नहीं है हमारे पास। क्यों नहीं गैस भरवाई? तो हमारे पास पैसे नहीं है इतने, मजदूर आदमी खेती ना पाती। अंदर रख लिया? और का तुझे गैस चूल्हा यहाँ क्यों रखा हुआ कोने में? लकड़ी ना है तो गैस भराए थे, कैसे लकड़ी से बनाओ तो महंगा के चक्कर में भरियो नहीं पाई गैस। तो गैस क्यों नहीं भराई? जब पैसा ना है भराए तो महंगी है, तो है महंगी चक्कर में भरवाई नहीं पाई। कितने परिवार में? चार। खाना बनाती हो? हाँ खाना हम अपने आप बनाए। सिलेंडर भरवाया आपने? साल भर हो चुका है। पति क्या करते हैं? कुछ करते का घर है, रात खेती बाड़ी करते अपनी और क्या कर रहे हैं, काम तो क्या कर रहे हैं। आंकड़े भी कुछ यही कहानी बता रहे हैं। देश में 8 करोड़ लोगों के पास उज्ज्वला का सिलेंडर पहुंच गया है, लेकिन पेट्रोलियम मंत्रालय का आंकड़ा ही बताता है कि 2019-20 में 1,32,67,343 महिलाएं एक बार ही दोबारा सिलेंडर भराने आई, उसके बाद गैस सिलेंडर को वापस रख दिया गया, जबकि 1,09,00,000 महिलाएं सिर्फ 2 बार रिफिल करा पाई। मतलब साफ है कि उनकी संख्या काफी बड़ी है जिनके घरों में लकड़ी के साथ धुएं की वापस एंट्री हो गई। इसके पीछे के कारणों की बात करें तो महंगाई डायन बनकर सामने आई है। पिछले एक साल में एलपीजी गैस के दामों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। 1 मई 2020 को गैस सिलेंडर को रिफिल कराने में 581 रुपए खर्च करने पड़ते थे। जून 2021 आते आते इसका दाम बढ़कर 800 रुपए से ऊपर चला गया, उसमें से भी सब्सिडी की राहत को गोल कर दिया गया। दरअसल साल 2020 में उज्ज्वला गैस भराने पर 162 रुपए की सब्सिडी मिला करती थी, लेकिन मई 2020 में जब गैस की कीमत 600 रुपए पहुंची तो इस सब्सिडी को जीरो कर दिया गया। अब जब गैस की कीमत 800 रुपए की पार चली गई है तब भी सब्सिडी पूरी तरह से बहाल नहीं हो सकी। इन सबके बीच गरीबी का भी अपना खेल है। 2018 के NSSO के सर्वे के मुताबिक 20% गरीब परिवारों की औसत आय 1,065 रुपए मासिक है। अब सोचिए अगर आमदनी ही 1,000 रुपए है तो उसमें से 800 रुपए गैस भरवाने में खर्च कर दें तो परिवार खाएगा क्या। ऐसे में सिलेंडर का धूल फांकना कोई चौंकाने वाला मामला नहीं है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में तमाम लूप होल्स होने के बाद भी उसने हालात बदलने में बड़ी भूमिका निभाई। यह ऐसी स्कीम है जिसका पहला चरण तय वक्त से पहले हासिल किया गया। इसके अलावा सांस से संबंधित बीमारियों में भी कमी आई। लकड़ी से निकलने वाला धुआं अस्थमा जैसी बीमारियों की सबसे बड़ी वजह है। साल 2019 में पेट्रोलियम मंत्री ने बताया कि उज्ज्वला योजना लागू होने के बाद छाती के बीमारी के मामलों में 20% तक कमी आई है। एक रिपोर्ट के आधार पर यह भी बताया गया कि सांस से संबंधी 25% बीमारियों में कमी तब आई जब उज्ज्वला योजना के सिलेंडर करोड़ों महिलाओं तक पहुंचे। अब इन सबके बीच सबसे बड़ी चिंता का विषय यही है कि कहीं यह महंगाई की आग गैस की आग को बुझा न दे। पीलीभीत से सौरभ पांडे की रिपोर्ट, यूपी तक।